गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हुई? तुम्हारा मॉर्निंग टी। आई एम सॉरी बाबा, आलिया अभी तक सो रही है तो आप। शगुन, कल रात को जो भी हुआ इट्स ओके। हम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं, फिर भी एक दूसरे को अपनाया है, शादी की है। हाँ, वक्त लगेगा अपने अतीत को भुलाने में, आगे बढ़ने में, बट इट्स ओके, हमारे पास टाइम ही टाइम है। इनफैक्ट पूरी जिंदगी है। जस्ट रिलैक्स। थैंक्स मैं। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसा इंसान मिला। थैंक यू सो मच। Finally, अप्पा और आंटी का रोमांस शुरू हुआ। Oh my God, thank you so much. Actually, thanks to मिहिर. मुझे मिहिर को कॉल करना चाहिए। अरे मिहिर, pick up the call. ये मिहिर फोन क्यों उठा रहा? एक काम करती हूँ, ऑफिस जाके मिलती हूँ। आज का प्लान क्या है तुम्हारा? पीयू के स्कूल जाऊंगी। उसकी टीचर ने शिकायत की थी कि वो बहुत क्रैंकी है। अब वो कहाँ जानती है कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो गुस्से में स्कूल ही नहीं गई होगी। उसका गुस्सा ना, मुझे जाके मिलके उसे समझाना पड़ेगा। श्योर, बट डोंट वरी, एक बार तुम मुझसे मिलोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो लेट मी नो। थैंक्स। तुम्हें क्या लगता है, किसे मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट? क्या मेरे भाई? आप ये जो फाइल है ना, इसमें कुछ भाई के सिग्नेचर्स चाहिए, वो प्लीज करवा देना, बाकी मैं देख लूं। ओके, मैं कॉल करता हूं। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? अरे बोलो, क्या हुआ? रोमी, मैं कुछ करूं? इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत चांस था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता। हाँ, ये तो अच्छा है ना। वही तो कह रहा हूँ, चांस था। तुम्हें पता मेरा कॉम्पिटिटर कौन है उसमें? मेरा अपना बड़ा भाई। और अगर वो इस रेस में है तो उनसे जीतना बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे भाई के साथ है? पर बात से कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। अभी मेरा और मेरे भाई का रिलेशन बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। इतने सालों बाद हम एक हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम दोनों के बीच में फिर से भी प्रॉब्लम्स आ जाए। पर मैं क्या करूं, बिजनेस तो बिजनेस है ना। आई कांट हेल्प इट। रोमी, डोंट वरी, रिलैक्स, इधर आओ। कम रोमी, बात सुनो मेरी। भाई है वो तुम्हारा, तुम उससे बात करो। एक बार उनको बताओ कि तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि वो अपने भाई के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपने भाई के मांगने पर वो ना ही ना कर पाए। और क्या होता है ना, कई बार सिर्फ मांगने से ही चीजें मिल जाती है। स्ट्रेट एंड सिंपल। दैट्स रियली स्वीट, थैंक यू सो मच। तुम सही कह रही हो, अगर मैं एक बार भाई से बात करूं तो। भाभी, ऑफिस तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन एक बहुत जरूरी क्लाइंट है, उसका भाई से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज टू मीट हिम। एक्चुअली नहीं, मुझे भाई से नहीं, किसी और से बात करनी है। पीहू, पीहू, हाय। सुबह सुबह यहाँ? वो मैंने सोचा कि पीहू स्कूल जाने से मना कर रही होगी तो उससे मना लो। गुस्से में मुंह फुला के बैठी होगी ना वो, तो गई स्कूल। और बहुत प्यार से गई है, इतना मजा आ रहा था उसे तो। आज रेडी होते हुए टिफिन भी ले गई ना वो, तो अपना फेवरेट वाला। हाँ हाँ, इतनी खुश थी कि मम्मा से आलू के पराठे बनवा के लेके गई। नेवर माइंड, मैं उसे स्कूल में मिलूंगी।
वैसे भी उसके टीचर से बात करनी है। वो उसके पापा हैं उसके साथ वहाँ। एक्चुअली क्या है, मैंने और रमन ने डिसाइड किया कि जब तक वो एकदम ठीक से सेटल्ड नहीं हो जाती है ना मेंटली और हर तरह से, उसके पापा उसके हर काम के लिए आएंगे जाएंगे, यू नो, स्कूल के लिए, पीटीए, प्रोजेक्ट वर्क्स, पर एवरीथिंग उसके पापा हर चीज का ख्याल रखेंगे। पर पीहू के पापा के पास उतना टाइम है? कितने स्वीट है ना उसके पापा। सी, मानना पड़ेगा, मतलब सारी खुदाई एक तरफ और उनकी बेटी एक तरफ, पीहू के लिए तो उन्होंने एक बार में सारा टाइम निकाल लिया। वो बहुत ख्याल रखते हैं उसका। और एक बात तो है, पीहू ना सबसे ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है। लेकिन रमन डिसीजन लगा कैसा? अच्छा है ना। पता है हमने क्या रियलाइज किया कि पीहू के साथ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है लोगों के साथ, वो सिर्फ एक इंसान पर डिपेंडेंट है। पर रहती तो वो इतनी बड़ी फैमिली में है तो सबके साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है ना, इसलिए रमन अभी उसके साथ मिंगल कर रहे हैं। जब थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी तो औरों के साथ भी मिंगल करना चालू कर देगी, यू नो। उसके लिए सब लोगों ने अच्छे से फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है उसे कंफर्टेबल करने का। That's so sweet. लेकिन रमन के बिजनेस का क्या? बहुत लोग हैं उसका बिजनेस हैंडल करने के लिए, सब हो जाएगा। लगता है कि तुमने सब कुछ सोच लिया है। फिर भी पीहू से तो मैं मिल ही सकती हूँ ना? नहीं तो यार, टीचर ने और स्कूल ने डिसाइड किया है कि उसके लिए ना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए रमन He'll be just a call away. आते जाते रहेंगे उसके स्कूल उसका ख्याल रखने के लिए. So you don't have to worry. You should focus on your married life. Nice. सब कुछ कंट्रोल में है. Absolutely. Okay, चलती हूँ मैं. Be safe hands में. So don't worry.